एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने 1940 से लेकर 1960 तक हिंदी सिनेमा में राज किया। यही नहीं, परदेसी, मदर इंडिया, काला बाजार जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। जी हम बात कर रहे हैं अपने जवानी की मशहूर अभिनेत्री नारगिस दत्त की। आज इस वीडियो में जानेंगे बायोग्राफी ऑफ नारगिस दत्त, या यूँ कह लीजिए नारगिस दत्त की संपूर्ण कहानी। नारगिस दत्त कैसे फिल्मों में आई, नारगिस दत्त का अफेयर किन के साथ रहा, आज संपूर्ण कहानी इनके बारे में जानेंगे। तो फिर देर क्या, चलिए शुरू करते हैं। नारगिस दत्त का जन्म कोलकाता में 1 जून 1929 को हुआ था। वहीं मीडिया रिपोर्ट के माने या कुछ लोगों का कहना है कि नारगिस दत्त का जन्म कलकत्ता में नहीं बल्कि इलाहाबाद में हुआ था। नारगिस जी के पिताजी का नाम उत्तम चंद मूलचंद था और रावलपिंडी के रहने वाले थे। माताजी का नाम जदनबाई था, जो कि हिंदुस्तानी क्लासिकल गायिका थी और भारतीय सिनेमा से जुड़ी हुई थी। जदन भाई सिनेमा के क्षेत्र में गायक, नर्तकी, निर्देशक, संगीतकार और अभिनेत्री के रूप में काम किया करती थी और फिल्मी जगत में काफ़ी सक्रिय रही है। वही नारगिस दत्त की फिल्मी सफर की बात करें तो नारगिस ने मात्र 6 साल की उम्र में ही 1935 में आई फिल्म तलाश से हक में एक्टिंग की और इसी के साथ फिल्मी सफर की शुरुआत की और सफलता की ओर लगातार बढ़ती गई, क्योंकि उन्हें बचपन से ही कला विरासत में मिला था। वही राज कपूर के साथ इनका अफेयर कई वर्षों तक रहा। राज कपूर के साथ नारगिस की जोड़ी दर्शकों ने काफ़ी सराहा और खूब पसंद किया और इसी जोड़ी ने कई फिल्में बनाई। 1940 से लेकर 1960 के दशक में सबसे खूबसूरत और पॉपुलर जोड़ियों में से एक थी। वहीं नारगिस दत्त की शादी की बात करें तो लोगों की माने तो राज कपूर और नारगिस के बीच प्यार मोहब्बत का सिलसिला लंबे समय तक चला। हर तरफ इनके प्यार और इश्क के चर्चे मशहूर रहे। हालांकि दोनों की शादी नहीं हो सकी, क्योंकि उस दौरान हालत ही ऐसे बने कि नारगिस दत्त सुनील दत्त साहब से शादी कर ली। वही नारगिस दत्त की प्रमुख फिल्में की बात करें तो 1940 से लेकर 1950 तक नारगिस का सुनहरा दौर रहा। इस दौरान उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें सबसे खास रहा मदर इंडिया, और इस फिल्म को ऑस्कर के लिए नामित किया गया था। 1945 में हुमायूं, 1949 में अंदाज, 1949 में बरसात, 1950 में आधी रात, 1950 में जान पहचान, 1951 में आवारा और भी ऐसी कई फिल्में हैं जिनमें नारगिस दत्त अपने अभिनय का लोहा मनवाया। वहीं नारगिस दत्त की सम्मान और पुरस्कार की बात करें तो नारगिस को अभिनय के क्षेत्र में कई पुरस्कार मिले हैं, जैसे 1957 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार फिल्म मदर इंडिया के लिए मिला था। वहीं 1958 में फिल्म मदर इंडिया की सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस या यूँ कह लीजिए अभिनेत्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वरी द्वारा पुरस्कार मिला था। वहीं 1958 में पद्माश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। वहीं 1968 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म रात और दिन की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में मिला था। फिल्म फेयर अवार्ड के अलावा कई सर्वश्रेष्ठ अभिनय का राष्ट्रीय पुरस्कार भी शामिल है। वहीं नारगिस दत्त की आखिरी सफर की बात करें तो उन्होंने लंबे समय आखिरी समय की बात करें तो उन्होंने एक्टिंग से दूरियां बना ली और अपने पति सुनील दत्त के साथ सामाजिक कार्यों में जुट गई और साथ अजिता आर्ट्स कलरल ट्रूप की स्थापना भी की और यह संस्था सीमाओं पर जाकर जवानों को स्टेज शो कराती थी और वहाँ के जवानों का मनोरंजन। नारगिस दत्त की आखिरी समय की बात करें तो बताया जाता है आखिरी समय में उन्होंने फिल्मों से दूरियां बना ली और अपने पति सुनील दत्त साहब के साथ ही रहा करती थी। बताया जाता है उनके आखिरी समय में उनका तबीयत ठीक नहीं रहा, तबीयत उनका लगातार बिगड़ने लगा। नारगिस दत्त को कैंसर की बीमारी हो गया था और इसी बीमारी की वजह से 3 मई 1981 को उनकी मौत हो गई और वह हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कर गई। लेकिन नारगिस आज भी लोगों के दिल में बसी हुई है और हमेशा बसी रहेगी। खैर, आपको नारगिस दत्त के बारे में ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को फिर भी सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह कोई अभिनेता और अभिनेत्री के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।